ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूं कि तुमसे शादी करके मुझे क्या क्या मिला। क्या मिला? और कुछ ना सही, लेकिन एक चीज तो बेशक मिली है, सारे शहर की लड़कियों की जलन। मेधा, मैं कुछ समझा नहीं। हरीश, शहर में ना जाने कितनी लड़कियां होंगी जो तुम्हें देखकर मुझसे जलती होंगी कि शहर का मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक सिर्फ मेधा हेगड़े का होकर क्यों रह गया। कितने लोगों की आहों का सबब बन गई हूं मैं। यहां अपने आहों से फुर्सत नहीं है, दूसरों की आहें क्या खाक सुनाई देंगी। तुम किसके लिए आहें भर रहे हो? वही मल्होत्रा इंडस्ट्री के लिए। मल्होत्रा इंडस्ट्री से याद आया, ऋषभ, करण खेत्री में काफी उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहा है। बेकार की बात है ये। नहीं ऋषभ, ये बिल्कुल सच है। और मैं... तुम्हारे सच की कसौटी कौन है? तुम्हारी बहन रूबी, उसने कह दिया और तुमने मान लिया। तुम दोनों को भी आम औरतों की तरह यह आदत हो गई है कि बात को बढ़ा कर किस तरह की जाए। टिपिकल किटी पार्टी मेंटालिटी, कपशप और गॉसिप करके अपना टाइम पास करते हो। कैसी बेसिर पैर की बात कर रहे हो? वहां रूबी खेतरी में एकनाथ की परेशानियों से जूझ रही है, यहां मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के हालात से परेशान हूं। हमारे पास फालतू का वक्त आया जिसे काटने के लिए हमें बहाने ढूंढने पड़े, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम दोनों बहनों के बीच में क्या बातें होती है, इन बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट आई अंडरस्टैंड मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा इज दिस, कि आप अपने भाई के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते, चाहे वो हकीकत ही क्यों ना हो। तुम आंखें मूंद लेना चाहते हो ऋषभ की वो खेतरी में कैसी करतूतें कर रहा है। करण ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। ऋषभ, बड़ी आसानी से तुम उसकी असलियत भूल गए, और इस हकीकत से भी तुम आंखें फेर रहे हो कि आज वो अपने दुश्मनों के ग्रुप में, भद्रा ग्रुप में शामिल हो रहा है जो। मेधा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।